जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे चऊं था भलीकार ईंदी ब्रेक ते वञण खां पहिरीं अव्हांखे ॿुधायोसीं त वापसि ईंदासीं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उते बि इंतिहाई दिलचस्प ऐं अहम सूरतहाल आहे जेके चूंड नतीजा आया आहिनि। सो सीनियर सहाफ़ी तज़ निगार शाहिद हमीन साहब जेके आहिनि उहे पिशावर मंझां असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। शाहिद हमीन साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक़्तु ॾिया। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा की सर अगर हम देखें सूरतहाल तो वो जो नतीजा आए सबके सामने हैं और उसके बाद जो पीटीआई ने अपना नामजद किया है वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को, तो उसको कैसे देखा जा रहा है? और मुल्की लेवल पर अगर हम देखें तो कहा यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई ने ये पैगाम दिया है, दूसरी पार्टियां इसमें लगी हुई हैं कि तनाव कम हो और मुल्क आगे बढ़े। रात तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर, दूसरी तरफ पीटीआई वाले ये जो फैसले ले रहे हैं तो कैसा देखा जा रहा है इन फैसलों को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए नसीब, जैसा कि आपने कहा कि जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की पोजीशन बड़ी क्लियर और वाजे है, गो के इस हवाले से मुश्किलात उन्हें जरूर हैं कि खवातीन और अकलीती नशितें जो हैं वो फिलहाल उनके हवाले से कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसमें मिल पाएंगी या नहीं, लेकिन अदरवाइज भी वो हुकूमत बनाने की पोजिशन में के थ्री मेंबर्स होने चाहिए के पी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए, और यहाँ पे उनके 84-85 के लगभग अरकान उनके मौजूद हैं। तो उस हवाले से तो सिचुएशन वाजे है। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है कि उनकी नामजदगी के हवाले से, देखिए अगर इसके दो पहलू हैं, एक पहलू तो ये है कि अगर हम पार्टी के हवाले से उनकी सीनियरिटी या उनके मामला देखें तो ये 2013 में पहली मरतबा इन्होंने विन किया और आए और मिनिस्टर रेवेन्यू बने। 2018 में इन्होंने कौमी सुबाई दोनों नशिस्तें विन की और ये कौमी में गए और वहाँ पे कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज में उनके वजीर बने और सुबाई असेंबली इन्होंने वेकेट की जिस पर इनके भाई फैसल अमीन गंडापुर मेंबर बने। अभी फिर उन्होंने कौमी सुबाई दोनों सीटें जीती हैं, गो के एक सुबाई वो लूज भी की है उन्होंने, लेकिन एक कौमी और एक सुबाई उन्होंने जीती है और इस हवाले से उनकी नॉमिनेशन हुई है। दूसरा वो पार्टी के सुबाई सदर हैं, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जाहिर है कि हक तो उन्हीं का बनता था और उनकी नॉमिनेशन हुई है। जहां तक ये बात है कि पीटीआई ने उनकी नामजदगी क्यों की है या पीटीआई के बानी चेयरमैन ने उनकी नॉमिनेशन करके क्या पैगाम देने की कोशिश की है, तो देखिए इस वक्त पीटीआई जिस सूरतहाल से गुजर रही है या दो चार है या उनके उसकी जो लीडरशिप है, उनके जो कायदीन है, वो जिस जहनी कैफियत का शिकार है इस वक्त, तो जाहिर है कि वो इस वक्त ऐसी ही ऐसा ही कोई रिएक्शन दे सकते थे, ऐसा ही कोई रद्दअमल उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड था और उन्होंने अलीमीन गंडापुर की जो नामजदगी है वो करके ये रिएक्शन दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि लाहौर पुलिस गालबन 9 मई के वाकयात में उन्हें मतलूब भी हैं और वो गिरफ्तारी के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन उससे हटकर पीटीआई ने इनकी नामजदगी की है। इख्तलाफात हैं इस पे, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन ये इख्तलाफात कुछ इस तरह के हैं कि आपको याद होगा 2018 जी जब पीटीआई ने तरीत दी और उस वक्त वजीर आला की नॉमिनेशन का मसला उठा तो प्रोसेटर साहब दोबारा वजीर आला बनना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने भी कौमी असेंबली विन की थी, कैसर साहब ने भी, अली अमीन गंडापुर ने भी, तो वो बन नहीं सकते थे उस वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, जिसमें कौमी असेंबली की सीटें विन की हैं वो कौमी असेंबली में जाएंगे। तो उसके बाद आसिफ साहब जो यहाँ पे फिर बाद में पहले भी वजीर रहे बाद में भी रहे, वो एक दूसरे ग्रुप की तरफ से उनका वो था कि वो वजीर आला शायद बने या वो उनकी भी कोशिश हो रही थी। तो उसके खिलाफ प्रवेश कटक साहब, असद कैसर साहब, शाह फरमान, जो उस वक्त के जितने भी लीडर थे, मुराद सईद, ये सारे ही इन्होंने इकट्ठे होकर अपना 55-56 के लगभग अरकान अपने शो किए हाउस में इजलास करके और उन्होंने पैगाम दिया कि हम आसिफ खान को नहीं मानते। तो उसके बाद फिर मुराद सईद साहब ने उनका नाम तजवीज किया महमूद खान का स्वाद से और वो वजीर आला बन गए। तो इस मतलब इख्तलाफ का पहला वो है वो आसिफ खान के हवाले से ही उठा और मरदान के सामने आया कि उन्होंने शायद तीन नाम तजवीज किए हैं। उस तो जाहिर है वो नहीं बन सकते कि वो कौमी असेंबली उन्होंने विन की है, सूबाई असेंबली तो उन्होंने विन की नहीं है, तो वो खुद तो बन नहीं सकते। फिर मुश्ताक अली साहब जो तीसरी दफा जीते हैं वो उनके हवाले से कहा जा रहा था, इसी हजारे से अकबर अयूब साहब जो कि जनरल रईस के पोते हैं उनके हवाले से उसका नाम सामने आ रहा था, लेकिन उनमें मजबूत कैंडिडेट बार कैफ अली अमीन भी थे। फिर दूसरी बात यह है मुश्ताक गनी साहब और
अकबर अयूब साहब बड़े माइल्ड तबीयत के लोग हैं, बड़े नरम मिजाज नरम खू किस्म के लोग हैं और बड़े सबके साथ मफामत के साथ चलने वाले हैं, जबकि अली अमीन साहब को आप जानते हैं कि वो एक हार्श किस्म का मिजाज रखते हैं और जो इस वक्त पीटीआई को जिस रद्दअमल दिखाने की जरूरत है तो उस तवक्को पे वो पूरे उतर सकते हैं, तो इसीलिए अली अमीन साहब की नामजदगी करते उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। अच्छा सर, ये तो हो गई, आगे चल के पता चलेगा क्योंकि वफाक में किसी और पार्टी की हुकूमत होगी और 9 मई के बाद जो पीटीआई के लिए हालात हैं फिर इस तरह की नामजदगी, तो मामलात कैसे होंगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो पीटीआई ने अब तक डिसीजन क्या लिया है, किस पार्टी में शमूलियत हो रही है, क्योंकि अभी तक तो वो आज़ाद ही तस्वर किए जा रहे हैं ना, तो जो मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन थी उसका नाम भी चल रहा था, फिर जमायत इस्लामी के साथ इतिहाद की बातें भी हुई, तो उस हवाले से क्या कोई फाइनल डिसीजन हो पाया है? जी देखिए नसीर, जमात इस्लामी ने तो आज उन्हें रिफ्यूज कर दिया है। जी आज इस्लामी ने तो वाजे कर दी कि हम जो है चूंकि पीटीआई दो मुख्तलिफ जमातों के साथ, उन्होंने ये कहा कि हमारे ख्याल था कि पूरे मुल्क में हमारे साथ वो के, लेकिन पंजाब और मरकज में वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जा रहे हैं और सिर्फ पीपी में जमात के साथ, तो हम उन्हें अपना कंधा पेश नहीं कर सके, वो किसी और पार्टी से बात कर लें, तो जमात का मामला तो यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन जमात का असल मसला ये था, इस इशू पर जमात इस्लामी के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात थे, क्योंकि जमात इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन वो सब पीटीआई के लोगों से हारे हैं, बिल्कुल बशमूल उनके मरकजी अमीर सिराज उल हक साहब, बशमूल उनके सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम, बशमूल उनके सूबाई जनरल सेक्रेटरी फुलवा से। तो अब सूरत हाल ये है कि जब वो पीटीआई से हारे हैं तो पीटीआई को वो कैसे अपनी पार्टी दे देंगे, वो आए और उनकी पार्टी में शामिल होकर वो हुकूमत बने, हुकूमत उनकी होगी, रिजर्व सीटें उनकी होंगी और नाम जमात इस्लामी का इस्तेमाल होगा। तो ये एक इख्तलाफ था, कल ही प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने कह दिया था कि जब जाकर कलोल साहब ये कह रहे थे कि हमारी बातचीत हो गई है, उस वक्त प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है और जमात पीटीआई को इस तरह की बातें नहीं उड़ानी चाहिए, तो जमात इस्लामी का मामला तो खत्म हो गया। अब आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि राबता जीवाई जो कि मौलाना शेरानी साहब का ग्रुप है जीवाई का, बिल्कुल उन्होंने ऑफर की है यहाँ से मकदान में से सादिक अमीन है मौलाना शिजाल मुल्क जो कि राबता जीवाई के मरकजी तर्जुमान हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी मौजूद है तो उन्हें पीटीआई को कहीं और जाने या देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारी पार्टी मौजूद है, वो आए हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें और यहाँ से अपनी हुकूमत अपनी सीटें लें और हुकूमत बनाएं। तो ये आज की डेवलपमेंट है। शीरानी ग्रुप को सर कितनी निशस्तें हैं देखा जाए तो? केपी में होंगी, कौमी असेंबली की तो शायद उनके पास कोई निशस्त नहीं है या है? नहीं देखिए नसीर, ना उनके पास केपी की कोई सीट है, ना कौमी असेंबली की सीट है, ना किसी और असेंबली की सीट है। अच्छा, बट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई ऐसी पार्टी जो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो अपने इंतखाबी निशान समेत, भले वो सीट जीते या ना जीते, सही उसमें आप शामिल हो सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो शायद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये राबता जीवाई का सहारा लेंगे और शायद उसमें शामिल हो जाएंगे, और मे भी उनकी कोई एक खातून वगैरह एडजस्ट कर ली जाए और बाकी ये अपनी फिर लिस्ट दे देंगे उसके मुताबिक, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर से टेक्निकली कहा जा रहा है कि मुश्किलात हैं, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अगर किसी लिस्ट में खवातीन के 4 नाम दिए हैं और वो उनकी एक खातून मेंबर बन जाती है और बाकी 3 असूद लिख कर दे देती हैं कि हम तो मेंबर नहीं बनना चाहते, तो वो लिस्ट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद आपको मजीद और आपके हिस्से में मजीद नशिस्तें आ रही तो आप नई लिस्ट देंगे, तो वो नई लिस्ट जाहिर है फिर पीटीआई की होगी और उस पर उनके खवातीन और अखिलेती जो हैं वो मेंबर बन जाएंगे। सही, लेकिन उसके हवाले से भी आज अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट है इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से कहा गया था कि जो लिस्टें पहले जमा होती हैं उनकी लास्ट तारीख थी 23 दिसंबर 2023, उसमें नहीं हो सकी तो अब नहीं मिल पाएंगी नशस्तें, ये भी एक बहस है कानूनी, बहरहाल उसको छोड़ते हैं, हम कानूनी जो माहिर है वो बता सकते हैं। ये पीटीआई के लिए शाह साहब कितना बड़ा चैलेंज होगा कि वो एक पढ़े लिखे लोगों की जमात, शहरी इलाकों की जमात और एक सेक्युलर जमात के तौर पर जानी जाती है, एक मजहबी पार्टी में शमूलियत या फिर उसका स्टैम्प लेकर आगे चले, फिर शीरानी ग्रुप हो या मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे इसको कैसे देखा जाएगा, कितना कबूल किया जाएगा? मैं सिर्फ पहले जो आपने बात कही ना कानूनी इशू की, आपने कहा छोड़े यकीन जाहिर है कि कानूनी इशू है और लीगल इशू है, देखेंगे वो, मैं सिर्फ उस पर आपको एक बात अर्ज करना चाह रहा था कि हमें याद है कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही नशिस्तें
जी टी उस वक्त उनकी जो खवातीन की लिस्ट थी वो एक्सपायर हो गई थी और फिर उन्होंने नई एक लिस्ट दी थी मजीद खवातीन के लिए क्योंकि उनके हिस्से में मजीद सीटें आ रही थी। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मजलिस वाजिबुल मुस्लिमीन की लिस्ट एक्सपायर हो जाती है उसमें से किसी एक खातून को या राबता जीवाई में से किसी एक खातून को या माइनॉरिटी को एडजस्ट करते हैं और बाकी मेंबर दिख के दे देते हैं कि मेंबर नहीं बनना चाहते तो दैट मीन्स कि उनकी लिस्ट एक्सपायर हो गई है तो वो नए नाम देंगे, उनके हिस्से में सीटें आएंगी तो नए नाम देंगे, एक ये इशू हो गया। सेकेंड ये जो आपने कहा तो अगर राबता जीवाई के हवाले से तो मजलिस वाजिबुल मुस्लिमीन के हवाले से भी सिचुएशन है, उसके हवाले से भी पार्टी पीटीआई के अंदर तहफात मौजूद हैं, जाहिर है वो जिगर की भी आ जाती है उसके साथ, इसी तरह राबता जीवाई के हवाले से भी इख्तलाफात मौजूद हैं बट दे हैव नो ऑप्शन, इस वक्त उनके पास ऑप्शन नहीं है तो जाहिर है तो उन्हें मामला को संभालने के लिए तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पार्टी की आदत है वो इस मामले को संभाल लेगी। सही। अच्छा शाहिद साहब, इलेक्शन के बाद जैसे आज हमारा राबता हुआ है तो हम जरूर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस इलेक्शन में मजहबी पार्टियां जो थी सारे मुल्क में, हम तो देखते हैं कि उनको भी बड़ा सेटबैक मिला, बड़ा धचका लगा है सारे मुल्क से, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से वो जीतते रहे, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी हो गई, सिराजुल हक साहब का आपने खुद बताया कि वो किस तरह हार गए, फिर जो परवेज खटक साहब के साथ हुआ, तो इसको कैसे देखा जा रहा है कि ये जो बड़ी एक वेव थी पीटीआई की सबको उन्होंने रद्द कर दिया केपी के लोगों ने? देखिए नसीर, हमें तो ये दिखाई दे रहा है इलेक्शन में एक और सारे यंग हैं, यंगस्टर हैं, यूथ आ रही है सामने और वो पुरानी सियासत, पुराना अंदाज़े सियासत और जो पुराने सियासतदान हैं अंकल जिन्हें हम कहते हैं 85-85 साल के और 80-80 साल के, वो चाह रहे हैं कि बस अंकल जो साइड लाइन हो जाएं और नए लोग आए और जो पार्टियां अपना तरीकाकार नहीं बदलेंगी, अपने मामला सुन लेंगी, अपना नहीं बदलेगी तो डेफिनेटली फिर उनके साथ ऐसी होगा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, खसारे में जाना पड़ेगा और यही कुछ कोम्परा जमातों के साथ भी हुआ, यही कुछ मजहबी जमातों के साथ भी हुआ, वो सब मैदान से आउट हो गए और जो नए चेहरे हैं वो सामने आए हैं। सही। अच्छा इसलिए फिर परवेज खटक साहब के साथ वही हुआ जैसे हम देखते हैं कि पंजाब में जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के साथ हुआ, क्योंकि दावे तो परवेज खटक साहब भी बड़े कर रहे थे, महमूद खान साहब का सीएम रहे, परवेज खटक साहब खुद रहे, लेकिन लोगों ने उनको भी रद्द कर दिया। देखिए वो जो है आप परवेज खटक साहब का या जहांगीर तरीन साहब का या महमूद खान की जो बात कर रहे हैं तो वो रिएक्शन में मारे गए हैं, उनके खिलाफ रिएक्शन आया है पीटीआई का वोटर में। हम पहले भी बात करते रहे आपके प्रोग्राम में कि पीटीआई तो मौजूद है, पीटीआई तो खत्म नहीं हुई, उसका वोटर भी मौजूद है, सपोर्टर भी मौजूद है, वो वोटर और सपोर्टर निकला, उन्होंने वोट दिया, एंटी पर खटक वोट दिया, एंटी महमूद खान वोट दिया, एंटी जहांगीर तरीन वोट दिया, उन्हें एलिमिनेट कर दिया और उनके अगेंस्ट जो विन कर लिया। ठीक। अच्छा जी शाह साहब, आखिर में आज ये जो एएनपी वालों ने भी ऐलान किया है एहतजाजी तहरीक चलाने का, 20 तारीख से वो सवाबी से शुरुआत कर रहे हैं, इलेक्शन नतायज को रद्द कर रहे हैं, इसके हवाले से भी बताइएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धांधली ज्यादा इलेक्शन करार दिया है। देखिए नसीर, इस वक्त मुझे आप कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जी जो ये कह रही हो कि इंतखाबात फेर हो रहे हैं या वो एहतजाज ना कर रही हो या गांधी के जमात में लगा रही हो, सभी पार्टियां गांधी के जमात लगा रही हैं, जिन जगहों पे वो जीत चुके हैं वो ठीक, जिन जगहों पे हार चुके हैं वहां पे गांधी हुई, तो कसम चल निकली है और सभी पार्टियां इस जो है ये गंगा के इस वक्त पे बह रही हैं। मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी रिवायत बन रही है, क्योंकि मुझे रिवायत आगे भी चलती रहेगी और इसकी वजह से सब पार्टियों को होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। शाहिद अमीन साहब खैबर पख्तूनख्वा जो सीनियर जर्नलिस्ट आए उन हवाले से बुधाए रहा है, उते दिसूं था पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार का सिवा जेके भी पार्टी हुई हो, नवाज लीग हो, हजारा बेल्ट उनका सिवा नवाज शरीफ साहब पान मानसेरामा जी हारा वो जी असं दिसूँ था एएनपी के मानून रद्द किया है, उते मजहबी पार्टियों के रद्द किया, खास तौर पर जेयूआई जो उते वो वोट बैंक है उनसा गरुगर जमायत इस्लामी है, एएनपी माजी में जो हुक्मरान पार्टी भी रही है उनके मुकम्मल तौर पर मानून रद्द किया, पीपल्स पार्टी के वोट कौन मिली सको उतना वे तादाद में जो पीटीआई जिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब थे, हाँ पीटीआई जो वो चैलेंज यो है तो
कड़ी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कन था उनखा पोए हुकूमत साजी जो मरल अली अमीन गंडापुर साहब के उन्होंने सीएम नामजद किया है। सो ये मामला भी इंदड़ में काफ़ी दिलचस्प हूँ अहमियत जोगा हूँ पा उन गाल बोल कंदी जरूर अज जो असो प्रोग्राम है वो इतने पुजाणींदे तो पहुंचे पर उन पैर शाहिद साहब एक सवाल रेज किया तो कड़ी अड़ी पार्टी है जी इलेक्शन 2024 के हवाले से मुतमिन हो इलेक्शन बेहतर थी है। सो उथे चाहो कि उन्होंने जवाब दियाँ पर अस प्रोग्राम जो टाइम उन्होंने टेलीफोन लाइन जो भी कुछ इशू मुतहदा कौमी मूवमेंट जो महाजर कौमी मूवमेंट चूँ MQM वाहिद पार्टी है जी इलेक्शन 2024 के हवाले से काफ़ी खुश है उन्होंने तवक्का का सीटू मिली आज कौमी असेंबली जो शायद उन्होंने सोचो हो छह सत सीटू मुश्किल से कढ़ी सकन 17 सीटू उन्होंने मिली आज सूबाई असेंबली जो भी वो सीटू खड़ में कामयाब थी वह सो वाहिद पार्टी होंगी MQM जिन इलेक्शन से तमाम घनी खुश है और उन्होंने खुशी जो इजहार किया भी सही कराची में जो उन्होंने जलसो किया मुख्तलिफ जो उन्होंने पोस्टर भी लगाया शहर में खुशी जी है उन्होंने वह जाहिर थे पी वो मैंडेट उन्होंने कें मिलो है उन्होंने भी जाहिर है खोड़ सारा सवाल उठन था कल बिलावल साहब का भी सवाल थो हो बर पा गलाइंदे उन्होंने इंदड़ में प्रोग्राम जो वक्त पुराणी तो पहुंचे इजाजत अलह निगेबान।